क्वेश्चन दिया हुआ है इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एलसीएम ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस का वन। अब ये जो नीचे है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के, तो ये दोनों तरफ से कट जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस का बी, ठीक है, तो x वाले एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना, तो x इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस ए माइनस का बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करता हूँ, x का कोफिशियंट क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक, और राइट हैंड साइड में क्या है x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है a प्लस बी, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई वन इक्वल है a प्लस बी के, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो मैंने जीरो मान ली, तो ये किसके आ जाएगा राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है a माइनस बी, यानी a माइनस का b, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिला a इज इक्वल टू b, यानी a और b इक्वल है और दोनों का सम कितना है एक, तो यानी दो नंबर क्या हो, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे हाफ एंड हाफ हो जाएंगे ना, वन बाई टू एंड वन बाई टू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों का सम क्या है एक होता है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है।